तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने हैमस्टर टोकन को कैसे सेल कर पाओगे। अगर आपका बाइनेंस पे आपने विड्रॉ किया है दोस्तों, तो सिंपली आप इसे कैसे टोकन को सेल कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले करना क्या, आपको बाइनेंस को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर बाइनेंस को ओपन कर लेता हूँ। देन आप देख सकते हैं यहाँ पर बाइनेंस ओपन हो रहा है। तो देन आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा दोस्तों। तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको अपने टोकन चेक करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, आपको अपने वॉलेट पे चले जाना है। तो चलिए यहाँ पे नीचे हम वॉलेट दोस्तों, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है वॉलेट पर। तो जैसे आप वॉलेट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, देन आपके सामने फिर से कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। तो आप यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हैमस्टर 1532 टोकन यहाँ पर मेरा शो कर रहा है। तो सिंपली आपको सेल करने के लिए करना क्या होगा, आपको या तो मार्केट पर या फिर आपको ट्रेड्स पर चले जाना है। ये दोनों ही सेम है। तो सिंपली मैं यहाँ पे ट्रेड्स पे आ जाता हूँ। ट्रेड्स पे आने के बाद दोस्तों सिंपली आपको करना क्या होगा, सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह के इंटरफेस खुल के फिर से सामने आ गया है। तो यहाँ पे अगर ऐसा आता है दोस्तों, तो सिंपली यहाँ से आपको इसे कट कर लेना है। देन कट करने के बाद दोस्तों सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हैमस्टर यूटीडी का यहाँ पे टाइमिंग बता रहा है दोस्तों। सिंपली 1 घंटा 26 मिनट 40 सेकंड यहाँ पे बता रहा है। अगर यहाँ पे आपको ये हैमस्टर वाला नहीं आया, तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे ट्रेड्स पे आने के बाद दोस्तों सिंपली ऊपर में आपको यूटीडी दिख रहा होगा, तो सिंपली यहाँ पे आपको यूटीडी पे क्लिक कर लेना है। यूटीडी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पे आपको हैमस्टर सर्च कर लेना है, HMSTR। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे HMSTR यहाँ पे हमने सर्च कर लिया दोस्तों। उसके बाद आपको HMSTR यूटीडी पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, सिंपली आपको यहाँ पे यह चीज़ शो होने लग जाएगा। तो सिंपली आपको करना क्या, आपको यहाँ से फिर बाय और सेल का यहाँ पे ऊपर में ऑप्शन दिख रहा है, तो सिंपली आपको सेल पे क्लिक कर लेना है। सेल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देन आपको करना क्या, यहाँ पे आपको लिमिट ऊपर में शो हो रहा होगा, तो सिंपली आपको लिमिट वाला पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जो छोटा सा आइकन दिख रहा है दोस्तों, तीर वाला, उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे मार्केट पे क्लिक कर लेना है। देन मार्केट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पे आपको अमाउंट का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाता है, अमाउंट का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाता है दोस्तों। तो सिंपली यहाँ पे आपको ये वाला दिख जाता है दोस्तों। तो सिंपली आपका जितना भी रहेगा दोस्तों, सिंपली आपको यहाँ पे इसे मैक्स कर देना है, यानी कि यहाँ पे 100 कर देना है अगर आपको पूरा टोकन यहाँ पे सेल करना है। तो अगर आपको कुछ कम टोकन सेंड करना है दोस्तों, तो सिंपली आप यहाँ से घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो सिंपली आपको इतना यहाँ पे करके रखना है दोस्तों। और जैसे यहाँ पे आपको लगे कि हाँ चलो मैं यहाँ पे प्राइस सही है, तो आप यहाँ से सेल पे क्लिक करके आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारा ये वीडियो समझ में तो आ ही गया होगा, और नहीं समझ में आया दोस्तों तो आप दोबारा भी इसे देख सकते हैं आराम से, उसके बाद जाके आप अपना आराम से टोकन यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।